इसने नहीं बढ़ाई हुई पर ये सेलेक्शन मैंने तो पता है कि जिनके पास बड़े बड़े सेमिनार अटेंड कर रहे हैं काफ़ी परफेक्शन है इनको यूट्यूब में, है ना। अभी हाँ नीट के चक्कर में अभी थोड़ी देर मिले अच्छा था, बट काफ़ी अच्छा नॉलेज है यूट्यूब का। वो तारीफ इसलिए कर रहा हूँ शायद हमारे लिए कुछ तो पड़ा ज़्यादा से 10,000 पड़ रहा है, बस 30,000 ठीक है। जरा प्लीज आज का टॉपिक हमारा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से स्टार्ट करेंगे जी। यू नो वेल अबाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज कौन सा फोर्स? कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स which opposes motion। बताएगा कोई motion को oppose करेगा? No। which opposes बताओ जल्दी से। relative motion। जो relative motion को oppose करेगा उसे बोलेंगे friction। motion को oppose नहीं करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ध्यान देने वाला है। कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स व्हिच अपोजेस रिलेटिव मोशन। एडिशनल पॉइंट, व्हाट इज फ्रिक्शन इन लिक्विड्स? लिक्विड्स में फ्रिक्शन को क्या नाम देंगे? विस्कस फोर्स। इट इज नेम्ड विस्कस फोर्स। डिस्कस इन डिटेल इन विच चैप्टर? चैप्टर 9 में डिटेल में पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। कितने टाइप का फ्रिक्शन होता है? फर्स्ट वन कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड बताओ जी। सॉरी, सेकंड वन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। एंड थर्ड वन इज काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। थर्ड वन इज काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन। दिस इज व्हाट आर द थ्री। लेट अस टॉक अबाउट देम वन बाय वन। क्या क्या है? स्टैटिक मतलब मोशन, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट, क्लियरली नाम से पता चल रहा है। एंड काइनेटिक और डायनामिक मींस मोशन, ठीक है। वी हैव टेकन अ ब्लॉक ऑफ मास m बेस्ड ऑन द रफ सरफेस व्हेन सम फोर्स इज अप्लाइड। फ्रिक्शन किधर होगा? अपोज करेगा, यानी अपोजिट होगा। कौन लगाएगा? सरफेस। ये सरफेस इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लगाएगा जो इसे आगे जाने से अपोज करेगा। क्लियर है तक? नेक्स्ट, वी हैव अप्लाइड अ फोर्स एंड द बॉडी स्टिल एट रेस्ट। हमने फोर्स लगाया है बट बॉडी इज एट रेस्ट, देन फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। एग्जांपल, व्हेन वी जस्ट pull or push a bus or truck at rest, कहीं कोई बस है, ट्रक है, कोई ट्रॉली, कुछ भी, उसको पुल करते हैं, पुश करते हैं, तो वो नहीं करती, बट फोर्स तो हमने लगा दिया, तो वहां जो भी फ्रिक्शन होगा दैट इज नेम्ड स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन इज नेम्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ध्यान देंगे इस पॉइंट की तरफ। व्हाट डज इट मीन? देखिए जरा प्लीज, मैंने फोर्स लगाया, सुन रहे हो, मैंने अप्लाइड फोर्स इज 2 न्यूटन। व्हाट इज द फ्रिक्शन? 2 न्यूटन या ज्यादा? ज्यादा हुआ तो बॉडी इधर चल पड़ेगी,
मैंने 2 न्यूटन लगाया और बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में है मतलब नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब इधर कितना लग गया 2 न्यूटन, मैंने लगा दिया 10 न्यूटन, स्टिल एट रेस्ट, तो फ्रिक्शन कितना हो गया 10 न्यूटन, क्योंकि रेस्ट में है मतलब नेट फोर्स जीरो है, मैंने लगा दिया 50 न्यूटन एंड स्टिल एट रेस्ट, फ्रिक्शन कितना हो गया 50 न्यूटन, इससे पता चला कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का मतलब जब तक बॉडी स्टैटिक रहेगी, रेस्ट में रहेगी, तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप एप्लाइड फोर्स के इक्वल अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, कि बॉडी रेस्ट में होने का एक ही मीनिंग है नेट फोर्स जीरो, वो तभी हो सकता है तो जितना हमने लगाया उतना इधर लग गया, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग, जीरो जीरो वन वन टू टू, बट कब, जब बॉडी रेस्ट में है, जब तक रेस्ट में है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा, मींस इसको बढ़ाते जाएंगे ये भी बढ़ता जाएगा, एट अ सर्टेन मोमेंट ही बॉडी चलना शुरू कर देगा, उससे जस्ट पहले जो भी फ्रिक्शन था वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन था, उसको बढ़ाते जाएंगे बढ़ता जाएगा ना, जब तक बॉडी रेस्ट में जो मैक्सिमम होगा उसे बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन, और मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन भी कह देते हैं, इससे ज्यादा फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं रहेगी, दैट इज, एंड इसके बाद बॉडी मोशन में आ जाएगी, तो दैट इज काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर सम लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन के कुछ लॉज हैं जो हमें ध्यान देने हैं, व्हाट आर दीस, स्टैटिक फ्रिक्शन के लॉज कौन से हैं, ओनली वन कि सेल्फ एडजस्टिंग है, लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या देखें जरा, फर्स्ट वन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होगा यहाँ पे, म्यू इनटू एन, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट म्यू इज इक्वल्स टू एन बाय एफ, सारे सो में हैं, कौन से वाला ध्यान ही नहीं यहाँ पे, वो जो आप सीधे बैठा ऐसे और क्यों, हाँ ऐसे क्यों और क्यों, डायरेक्टली का मतलब एन पढ़ाएंगे तो ये कम होगा पड़ेगा, बीमार था अभी इतने दिन बाद आए केमिकल इम्बैलेंस मेडिसिन ज्यादा, डायरेक्टली का मतलब होता है ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये है फ्रिक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन, वो है फ्रिक्शन वो है सिटी वाले कुछ एन क्या है नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन, डायरेक्टली में ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ जो आएगा इस सिंबल को बोलेंगे म्यू, ठीक है एम यू म्यू इक्वल टू एन बाय एफ, एफ बाय एन, स्टार्टिंग में ही रिएक्ट करें प्लीज, मैंने जैसे ही लिखा सिर्फ एक बच्चे ने रिएक्ट करा, बाकी सब पता नहीं कहाँ गया है, करेक्ट क्या होगा म्यू इक्वल टू एफ बाय एन, दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज नेम्ड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, ये क्या है फ्रिक्शन यानी फोर्स, एन क्या है नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है, फोर्स बाय फोर्स यानी इट बिकम्स यूनिटलेस डाइमेंशनलेस, म्यू की यूनिट होगी नहीं, यूनिट नहीं होगी, क्यों, ये फोर्स
दोनों फोर्स हैं, तो कट जाएंगे यूनिट एंड डायमेंशन, इट बिकम्स म्यू बिकम्स यूनिटलेस और डायमेंशन सर। ग्रेट, म्यू इक्वेशन और पूछ देता हूं, म्यू डिपेंड्स ऑन एफ और एन और बोथ, दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा कल में सर। अच्छा आंसर आ गया, दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, एक्सप्लेनेशन क्या होगी क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये दोनों का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये डायरेक्टली मींस ये डबल तो ये भी, डायरेक्टली मींस ये डबल तो ये भी, यानी ये डबल तो ये भी डबल रेशियो से, ये हाफ तो ये भी हाफ रेशियो से, यानी जितना चेंज इसमें आएगा उतना ही चेंज इसमें आएगा, तो रेशियो रिमेंस सेम, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पॉइंट इज फ्रिक्शन ओबे कौन सा लॉ? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और भी छोटे छोटे पॉइंट बहुत सारे हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। काइनेटिक का मतलब फॉर्मूला क्या होगा जी? सेम रहेगा न्यू इंटू रिएक्शन, बॉडी मोशन में कब आएगी? जब फ्रिक्शन मैक्सिमम हो चुका होगा, ठीक है, यानी फ्रिक्शन इतना मैक्सिमम हो चुका है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता, इससे ज्यादा नहीं होगा मतलब इसके बाद बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी। बॉडी रेस्ट में है तो काइनेटिक और स्टैटिक, स्टैटिक मोशन में है तो काइनेटिक, एंड मैक्सिमम स्टैटिक इज लिमिटिंग फ्रिक्शन। छोटे से एग्जांपल के साथ आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे थी, देयर इज अ लॉ ऑफ मास 4 kg where the coefficient of friction is given 0.1, take the value of g as 10 meter per second square, इधर force लगाएंगे तो friction किधर होगा? Opposite होगा। Find the frictional force if applied force is 2 newton. हमने 2 newton apply कर दिया तो friction कितना होगा? सभी बच्चे जल्दी से बताएं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन होगा कितना? इससे पता चल रहा है कि मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन 4 न्यूटन है, हमने कितना लगाया? 2 न्यूटन, और मैक्सिमम फ्रिक्शन 4 न्यूटन हो सकता है, इसका मतलब बॉडी मूव करेगी, दैट मींस बॉडी मूव नहीं करेगी, है ना? क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज लेस देन मैक्सिमम फ्रिक्शन है, इसका मतलब बॉडी रिमेंस एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में रहेगी, रेस्ट में रहेगी मींस स्टैटिक, रेस्ट में है यानी स्टैटिक है, तो फ्रिक्शन भी स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन क्या था? सेल्फ एडजस्टिंग है, ऑलवेज इक्वल्स टू एप्लाइड फोर्स, कितना है जी? 2 न्यूटन है, क्या? अक्सर हम सोचते हैं 4 न्यूटन, अब इधर 4 लगे इधर 2, इधर ज्यादा बॉडी को इधर चलना चाहिए, बट फ्रिक्शन की वजह से तो बॉडी अपने आप चलेगी नहीं, दैट्स व्हाई ये मैक्सिमम फ्रिक्शन बता रहा है, कितना हो सकता है यहाँ पे, है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो यू वॉट, देखिए जरा फोर्स को तब चलेगी, ये 2 न्यूटन तो कितना? 2, ये 3 तो ये 4, ये 3 तो ये 3, ये 3.9 तो ये 4 तो ये 4, ये 4.1 तो ये 4.1, मैक्सिमम 4 है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, ये फ्रिक्शन मैक्सिमम ये हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा,
अप्लाइड फोर्स जितना मर्जी इंक्रीज कर लो तो हमें करना है। सो दैट्स व्हाई प्लीज देखें जरा, थ्री थ्री फोर फोर लिमिट आ गई 4.14। अब बॉडी चलना शुरू कर दे 3.9, ये भी 3.9 है, और 4 लिमिटिंग कंडीशन आ गई। इससे ज्यादा हमने पढ़ाया तो बॉडी मोशन में आ गई 4.14, 5 न्यूटन 4, 10 न्यूटन 4। अब ये और ज्यादा नहीं बढ़ेगा, उसको जितना मर्जी बढ़ा लो। होप यू गॉट स्टैटिक फ्रिक्शन। इस फॉर्मूले से जो पता चलेगा वो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन है। फिर हमें डिसाइड करना है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। क्लियरली दैट इज अबाउट द फ्रिक्शन। करें क्वेश्चन एक बार। मोशन में आ गई तो क्या होगा? डायनामिक फ्रिक्शन यू इंटू रिएक्शन आ जाएगा। देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस a block is moving with 14 meter per second. Mass कितना है? 2 kg. Initially moving with 14 meter per second. Comes to rest after traveling through 100 meter. Find the coefficient of friction. कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा जी? जब इसे सॉल्व करो देखो जरा, कैसे सॉल्व? हमें निकालना है म्यू, सुन रहे हो? म्यू क्या होगा जी? फ्रिक्शनल फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन। प्लीज ध्यान देंगे, जैसे इधर चलेगा फ्रिक्शन किस पे एक्ट करेगा? फ्रिक्शन इसको एक्सेलरेट करेगा या रिटार्ड? रिटार्ड करेगा। कितना रिटार्डेशन होगा? फ्रिक्शनल फोर्स बाय मास, ये तो होगा। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय मास। क्या फोर्स लग रहा है इस पे? फ्रिक्शन ओनली, और तो कोई फोर्स है नहीं। अपॉन मास फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय मास। ध्यान दें, फ्रिक्शन यहां रिटार्ड करेगा, सो नेगेटिव लेके चलना था। माइनस म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? जी इक्वल टू एम जी यानी 2g। एम की वैल्यू एम जी बाय एम से एम कटेगा, कितना आ गया? माइनस म्यू जी। बाय यूजिंग कौन सी इक्वेशन? थर्ड। यस, यूजिंग थर्ड इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a फाइनली कम्स टू माइनस इनिशियल 14 का स्क्वायर, तो इनटू a की वैल्यू माइनस म्यू जी इनटू डिस्टेंस कवर्ड इज 100। म्यू कैलकुलेट करना है, माइनस से माइनस कटेगा, म्यू को वहीं रख लें, बाकी इधर आएगा 14 मल्टीप्लाइड बाय 14 अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 रख लें, साथ में आएगा 100। पॉइंट हटा दें तो ऊपर क्या आएगा? 10, 14, 7 जा 98। और कुछ कटेगा? 2, 7 जा 14, 7 से 7 कटेगा, तो म्यू आ जाएगा 0 से 0 1/10 यानी 0.1। जी की वैल्यू 10 लेके चलेंगे, थोड़ा सा कम 0.09 ही आएगा। ओके, बट बेसिक पॉइंट है, क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेने पर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन या मोइल टू दिस। एक फोटोग्राफ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जी। कॉन्सेप्ट वही रहना, बस क्वेश्चन आएंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करने। देयर इज एन इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा। इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा
एट विच अ ब्लॉक जस्ट रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन हाफ ऑफ विच इज स्मूथ एंड रिमेनिंग हाफ इज रफ. कैन यू इमेजिन टोटल इंक्लाइंड प्लेन का हाफ अपर हाफ स्मूथ है लोअर हाफ रफ है. इफ द ब्लॉक जस्ट रीचेज एट द बॉटम जस्ट रीच मीन्स अगेन कम्स टू रेस्ट एट द बॉटम देन फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द रफ सरफेस. इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा इफ टोटल का हाफ स्मूथ है हाफ रफ है एंड यहाँ से जस्ट रिलीज करा है तो यहाँ स्मूथ में यहाँ स्पीड बढ़ती जाएगी. इसके बाद क्या होगा रफ होगा फ्रिक्शन लगेगा फिर कम होती जाएगी यहाँ रुक जाएगा. यहाँ कितना कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये हमें निकालना है. जल्दी से ट्राई करो फिर मैं सॉल्व कराऊंगा. वैसे मुझे ही सॉल्व कराना है देख ले एक बार मैं कराऊंगा फिर नेक्स्ट आपने करना है. कर ले सॉल्व मैं ही कराता हूँ इस क्वेश्चन को क्योंकि फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे क्वेश्चन बनेंगे. ठीक है हर्ष क्या पहले आप करेंगे फिर मैं पहले आप बोले ना फिर तो आप मैं तो आप बोल रहा हूँ. देखो जरा प्लीज बड़े सवाल फॉर अपर हाफ स्मूथ सरफेस जो अपर हाफ स्मूथ सरफेस है वहां से यहां तक स्पीड बढ़ती जाएगी. स्पीड बढ़ेगी मीन्स एक्सेलरेशन होगा कितना लेंथ ऑफ द प्लेन ये डिस्टेंस कितना मान लें एक्स तो ये भी सेम कितना होगा एक्स ही होगा ये भी क्योंकि हाफ हाफ है इक्वल डिस्टेंस है. नेक्स्ट पॉइंट ये ए ये बी और ये सी मान लो तो अपर हाफ स्मूथ सरफेस यानी ए टू सी बी यस ए टू बी दिस सॉल्व करें जी. यहां से यहां तक आते आते कितनी वेलोसिटी गेन कर रहे हो निकालते कैसे निकालने की सुन रहे हो एक्सेलरेशन कितना होगा जी कॉस थीटा या जी साइन थीटा. देखो जरा इसका वेट कितना होगा एम जी वर्टिकली डाउन ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा इधर आएगा एम जी साइन या कॉस इधर एम जी साइन थीटा ए इधर है तो फोर्स क्या होगा एम ए नीचे होगा का शुडो ऊपर आ जाएगा क्या इक्वेशन बनेगी एम ए इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा में एम से हम पढ़ रहे कितना आ गया ए जी साइन थीटा कितनी स्पीड गेन कर लेगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू फाइनल हमें कैलकुलेट करना है इनिशियल इनिशियल इक्वल टू टू ए की वैल्यू जी साइन थीटा इनटू डिस्टेंस कवर्ड है तो बी स्क्वायर ही आ गया जी. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लोअर हाफ फॉर लोअर हाफ रफ सरफेस दैट इज बी टू सी की बात करेंगे तो यहां इस पार्ट में फिर से क्वेश्चन बनाते ध्यान से देखेंगे तो शायद समझ में आए. यहां पर डायग्राम यहां बना लें एक्स को यहां शो कर देते हैं ब्लॉक ऐसे रखा है इसका वेट एमजी किधर होगा वर्टिकल राइट ये एंगल कितना होगा इधर आएगा एमजी कॉस और इसका परपेंडिकुलर इधर एम जी साइन थीटा. ध्यान से देखते जाना छोटे छोटे पॉइंट है फ्रिक्शन किधर होगा ऑब्वियसली अपोज करेगा यानी ऊपर होगा इस पे एम जी साइन थीटा नीचे लग रहा है फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है एक्सेलरेशन किधर है अप द प्लेन डाउन द प्लेन ऑब्वियसली अप द प्लेन है सर क्यों यहां वेलोसिटी ये है और यहां वेलोसिटी कितनी है
मीन्स वेलोसिटी बढ़ रही है, कम हो रही है, कम हो रही है तो क्या होगा? रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी के मोशन के अपोजिट, इधर मोशन है तो उसके अपोजिट यानी एक्सेलरेशन, ऊपर है तो एमवी भी ऊपर होगा, शुडो डाउनवर्ड आएगा। क्या इक्वेशन बनी? ये दोनों डाउनवर्ड है, ये ऊपर है, तो इक्वेशन बनेगी एम ए प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू फ्रिक्शन, एम ए प्लस एम जी साइन थीटा इक्वल टू फ्रिक्शन का फॉर्मूला न्यू इनटू रिएक्शन, रिएक्शन कितना होगा? एम जी कॉस थीटा, एम 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 कैंसल, ए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? न्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, एंड बी टू सी में लेट अस अप्लाई थर्ड इक्वेशन से बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल कितनी होगी? जो ए से बी की फाइनल है वो बी टू सी की इनिशियल है, और इसका स्क्वायर ही हमें चाहिए, मीन्स सेम टू जी साइन थीटा इनटू एक्स इक्वल टू ए कितना है? न्यू जी कॉस थीटा माइनस न्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा इज इट, और नेगेटिव भी तो होगा भाई, यहाँ जो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन तो माइनस साइन लगाएंगे, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है? एक्स, दिस क्लियर है? कुछ कट रहा है? एक्स से एक्स, जी से जी, एंड टू से टू, माइनस से माइनस, साइन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू कॉस थीटा माइनस, पक्का ये लिखेगा ना? तो म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू टू साइन थीटा, देन म्यू इक्वल्स टू टू टान थीटा, म्यू इक्वल्स टू टू टान थीटा आ जाएगा। क्लियर है? पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का हमें से पहले इसको अपने आप रिपीट करेंगे, पहले समझो ध्यान से, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। थर्ड इक्वेशन फ्री बॉडी डायग्राम, शुडो फोर्स एक्सेलरेशन, टू ट्राई फास्ट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, सेम टाइम का ध्यान से देखेंगे। अब ये तरह से शॉर्टकट बन गया, इस तरह से केस में एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देने बिल्कुल टू टान थीटा थीटा पुट करना है। इंक्लाइन प्लेन पे अपर हाफ स्मूथ है, लोअर हाफ रफ है, कितना होगा? म्यू इक्वल टू टू टान थीटा आएगा हमेशा, थीटा कितना है पुट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट हैड बीन डन, देयर इज अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा, सुन रहे हो? द ब्लॉक टेक्स अ टाइम T1 to reach the ground. Time taken is T1. If the same inclined plane is now rough, पहले कैसा था? Smooth. तो time taken कितना है? T1. Same plane का मतलब length of the plane same है, but rough inclined plane है. On this plane, the block takes a time T2, which is n times of T1. Rough inclined plane पे the body takes n times greater time, n times of this time, यानी T2 equal to n T1 given है. If T2 is equals to n T1, then find the coefficient of friction. यानी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है. Length of the plane क्या मान लें? X. तो यहाँ पे भी एक्स ही रहेगा, ठीक है? सेम यहाँ एक्सेलरेशन निकालें, थर्ड इक्वेशन लगा दें,
फिर टाइम है तो उसमें कौन सी इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इनिशियल रेस्ट में है जीरो, सेम हियर एक्सेलरेशन निकाल दें और सेकंड इक्वेशन लगा दें, यहाँ जो टाइम आएगा टी वन, यहाँ जो टाइम आएगा टी टू, दोनों को यहाँ पुट कर दो, न्यू आ जाएगा। टू ट्राई ऑल ऑफ यू फास्ट, फिर मैं सॉल्व कराता हूँ। जिस फॉर्म में भी आए करते हैं सॉल्व प्लीज, लिसन एवरीवन, यहाँ इधर क्या होगा, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, इधर क्या आएगा एम जी कॉस, और इधर एम जी साइन थीटा, इधर एक्सेलरेशन ए तो फोर्स एम ए का तो ऊपर आ गया, क्या इक्वेशन बनी m equal to mg sin theta में m से m काट दे, ये कितना आ गया, सेकंड इक्वेशन क्या होगी, ut plus half at square, लेंथ ऑफ द प्लेन इज दैट x, u तो जीरो है, जीरो इंटू टी, जीरो प्लस हाफ g sin theta इंटू टाइम टेकन टी वन प्लस। Got it all of you? Next, what happens on the inclined plane? Rough inclined plane में क्या होगा? ध्यान दें please. इसका weight अब भी mg ही रहेगा। ये theta तो ये भी theta। इधर क्या आएगा? mg cos इधर। तो आप step follow नहीं कर रहे हैं कुछ बच्चे। जैसे मैं step follow कर रहा हूँ ऐसे ही step follow करने पड़ेंगे जी। Friction किधर होगा? डाउनवर्ड अपवर्ड, इधर अप द प्लेन, यानी इधर होगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस के परपेंडिकुलर इधर होगा, एक्सेलरेशन किधर है, रेस्ट में है, वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब नीचे है, तो फोर्स एम ए तो ऊपर आएगा, इक्वेशन क्या बनेगी, एम ए प्लस फ्रिक्शन इधर ऊपर है इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, में एम ए प्लस फ्रिक्शन का फॉर्मूला पूछ लू मैं, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना, एम जी साइन थीटा, एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, n is equal to this, m m m cancelled, a कितना आ गया वंश, g sin theta plus mu g cos theta minus mu g cos theta minus g sin theta, इधर minus g minus आएगा यहाँ पे सर, है ना, chance बहुत कम है, active रहना पड़ेगा, है ना, का पोस्टर लगा के सोशल मीडिया पर लगाने से काम नहीं चलेगा, पॉलिटिक्स का पार्ट है वो नहीं होता, नहीं कहा होता नहीं होगा, नहीं होना ही सही डिसीजन है, जिन्होंने सच में मेहनत करी उनके लिए बहुत जरूरी है, जिन्होंने जमा का दी करके आए हैं, चलो फॉर्म भर देते हैं, पेरेंट्स ने नाप में दम कर रखा है, पेपर देने चले गए, 24-25 लाख बच्चे ऐसे ढूंढना होते हैं, बच्चे थोड़े ना जो नीट के लिए जैनवन है, तो ऐसे ही भर रखा सबने, चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं, ओपन से भर रखा पेपर कोई और देखे बट नीट देने जा रहे हैं, कई बार ऐसे बच्चे भी, हाँ सर, तो क्या चांस कम नहीं है, एफर्ट कम है, एफर्ट बढ़ाओ चांस अपने आप बढ़ जाए, ठीक है, देखिए जरा प्लीज, तो ऐसा प्रश्न क्या आ गई, हाथ बताएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, लेट अस अप्लाई अगेन व्हिच इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू पी प्लस, तो लेंथ ऑफ द प्लेन तो सेम ही रखेंगे एक्स, यू तो जीरो है, प्लस हाफ ए की वैल्यू जी साइन थीटा
माइनस म्यू जी कॉस थीटा इनटू टाइम को क्या लिखेंगे टी टू का स्क्वायर कर देंगे दैट इज एंड वी नो वैल्यू क्या करें एक्स की वैल्यू पता है वहां भी एक्स की वैल्यू पता है दोनों में आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम होंगे क्या कह रहे हो एल एच एस सेम इसमें एल एच एस क्या है उसमें एल एच एस आर एच एस भी सेम होंगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू कुछ कह रहा है रिपीट करके वहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे T1 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 लिख देंगे स्क्वायर पहले से है यहाँ जरूरत नहीं यहाँ पुट करेंगे ना देखो जरा फर्स्ट फ्रॉम कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड फर्स्ट में आरएचएस कितना है हाफ जी साइन थीटा इनटू टी वन का स्क्वायर सेकंड में आरएचएस हाफ जी को मैं ले लूं तो क्या बचेगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इनटू टी टू का होल स्क्वायर जी बाई टू कैंसिल साइन थीटा इनटू टी वन की वैल्यू क्या अच्छा टी टू दे रहा था टी टू की वैल्यू क्या है एन टी वन स्क्वायर एंड इट इज इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इनटू एन टी वन का स्क्वायर यानी एन स्क्वायर टी वन स्क्वायर से टी वन स्क्वायर कैंसल हो जाएगा म्यू निकालना है क्या करें जी साइन थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर साइन थीटा माइनस एन स्क्वायर म्यू कॉस थीटा ये निकालना है म्यू निकालना इसको इधर ले और इसको उधर ले जाए ये इधर आएगा एन स्क्वायर म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस वन इंटू राइट साइन थीटा उधर जाएगा साइन थीटा कॉमन ले लिया तो कीप साइलेंस एवरीवन म्यू इज इक्वल टू डायरेक्ट आंसर बता दो जी कीप साइलेंस एवरीवन सुशांत बताएगा एन स्क्वायर माइनस वन भाई ये एन स्क्वायर कॉस थीटा नीचे जाएगा इसके तो अपॉन एन स्क्वायर एज इट इज एंड साइन बाय कॉस टान थीटा आ जाएगा जनरल फॉर्मूला बन गया अब इसमें क्वेश्चन जो आया है प्रीवियस ईयर में एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन इज 45 डिग्री तो थीटा 45 रख देंगे टान 45 वन हो गया आंसर आ गया फिर क्वेश्चन चेंज करके नीट में डाल दिया इफ टाइम टेकन ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन इज टू टाइम्स द टाइम ऑन स्मूथ प्लेन इसका कितना है डबल डबल मतलब एन की वैल्यू क्या होगी तो डायरेक्टली इसमें एन की वैल्यू टू या फिर डायरेक्टली आ गेटिंग ऐसे क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में आ रहे हैं एग्जाम्स में पूछे गए तो फास्ट फिर एक और क्वेश्चन करेंगे देखो जरा लास्ट क्वेश्चन है फिर क्लास पैकअप करेंगे जी एंड एक्सपेक्टिंग इस तरह के गेम या एक्टिविटीज फॉर्म में नहीं होंगे नहीं होने चाहिए सबके लिए ठीक है देखिए जरा लास्ट क्वेश्चन पैकअप करेंगे ऑन ग्राउंड There is a board of mass small m या प्लैंक कह देते हैं on which a person of mass capital M is standing and holding a rope which is passing over a fixed frictionless massless pulley passing over one more fixed frictionless massless pulley passing over one more fixed
frictionless, massless pulley, and then finally connected with the board or plank. बहुत आसान है पर देखने में लगा है. What maximum force the person can apply on the rope? कितना फोर्स लगाए यानी कितना फोर्स लगाए कितनी टेंशन इसमें प्रोड्यूस कर दें मैक्सिमम फोर्स सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हियर इज न्यू. यहाँ रफ सरफेस है इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन न्यू. मैक्सिमम कितना फोर्स लगा दें कि ब्लॉक रेस्ट में रहे स्लिप ना करे स्लाइड ना करे. तो यहाँ पे जैसे मैं इसको खींचेगा यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी टेंशन टी. फिर मैक्सिमम टेंशन बतानी है. बहुत आसान क्वेश्चन है देखना जरा खींचेंगे यहाँ टेंशन आप तो यहाँ डाउन यहाँ लेफ्ट यहाँ राइट वो राइट की लेफ्ट पति कह रहे हैं वो राइट की लेफ्ट चला रहे ये टी अप ये टी डाउन अप डाउन ये टी लेफ्ट ये टी राइट टी राइट. प्लीज देखिएगा जैसे इस टेंशन की वजह से ब्लॉक इधर चलना चाहेगा या फ्रिक्शन पीछे एक्ट करेगा ये वह इस ब्लॉक का वेट या सरफेस इस पे क्या लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन लेट मी टेक एंड टू पर्सन का वेट स्मॉल कैपिटल एनर्जी डाउनवर्ड एंड ब्लॉक इसके ऊपर क्या लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन क्या मान लें मैक्सिमम टेंशन क्या होगी देखें जरा. ऐसे में जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें फोर्स का डायग्राम ड्रॉ करें हमें ध्यान रखना है इसका डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो उसी के फोर्स लेने हैं. लेट मी टॉक अबाउट द पर्सन पर्सन पे हाउ मेनी फोर्स आर एक्टिंग N1 upward, P upward, capital N G downward. You what? For person rest में है means acceleration zero है. N1 must be equal to N1 plus P must be equal to ये दोनों ऊपर लग रहे हैं और capital N G नीचे धन्यवाद. स्मॉल एनर्जी तो ब्लॉक इसका वेट है. अब बात करेंगे ब्लॉक की. ब्लॉक पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या फोर्स लग रहे हैं राइट में है टी और लेफ्ट में है और ब्लॉक टी मस्ट बी इक्वल टू एफ चलेगा. टी मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन कितना होगा यहाँ पे म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन कौन सा एन वन या एन टू यहाँ देखेंगे विच इज एन टू म्यू एन टू इक्वेशन नंबर टू. ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डायग्राम ड्रॉ करा ब्लॉक के लिए वर्टिकल में डायग्राम ड्रॉ करते हैं. वर्टिकल में ब्लॉक पे ऊपर क्या लग रहा है एन टू नीचे क्या लग रहा है स्मॉल एम जी. ये पर्सन कितना फोर्स लगा रहा है कैपिटल एम जी नहीं लगा रहा है क्या लगा रहा है पर्सन पर्सन ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा है यही मिस्टेक होती है. कितना लगा रहा है एम जी नहीं लगा अपने वेट के बराबर नहीं लगा रहा है. ब्लॉक ने पर्सन पे क्या लगाया ब्लॉक ने पर्सन पे क्या लगाया एन वन. तो पर्सन भी ब्लॉक पे एन वन ही लगाएगा अपने वेट के बराबर नहीं लगाएगा. ध्यान देने वाला पॉइंट है ये. छोटा सा एग्जांपल मैं ले हाँ ये इससे इसको नहीं खींच रहा होता तो वेट के बराबर आ जाता इट्स डिफरेंट पॉइंट. लेकिन हमेशा वेट के इक्वल होगा ऐसा जरूरी है. जैसे मैं एक रोप अटैच कर रहे हैं मैं वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा हूँ तो रीडिंग क्या आएगी इक्वल टू माई वेट
वेट मतलब व्हाट नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि रोप यहाँ हैंग करते हैं, रोप से मैं लटक जाऊं तो रीडिंग विल इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। अब रीडिंग क्या आ रही है, नॉर्मल रिएक्शन, अभी तो उसी के ऊपर हूं लेकिन अब वेट के बराबर रीडिंग नहीं आ रही है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने ऊपर भी फोर्स लगा दिया ना, पर्सन इसको खींच रहा है, इसका भी तो इफेक्ट आ गया। तो ब्लॉक ने पर्सन पे N1 लगाया, तो पर्सन भी ब्लॉक पे N1 ही लेना है। N1 Mg के इक्वल है, Mg दे लो, बट Mg के इक्वल नहीं है तो फिर हमें Mg नहीं N1 काउंट करना पड़ेगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी जी, ऊपर कितना है N2, नीचे कितना है N1 प्लस स्मॉल Mg, दैट्स ऑल। हमें क्या निकालना था, मैक्सिमम टेंशन यानी टी निकालना है। टी कैसे निकालना जी, N2 की वैल्यू पता चली, पुट कर रहे हैं यहाँ पे टी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू N2, म्यू इंटू N1 प्लस स्मॉल Mg, N1 की वैल्यू वहां से पुट कर देंगे तो ये बनेगा टी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू N1 की वैल्यू कैपिटल Mg माइनस टी राइट प्लस स्मॉल Mg। तो टी इज इक्वल्स टू म्यू कैपिटल Mg प्लस म्यू स्मॉल Mg अपॉन